ही गाइज, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी गाइज। और यहाँ पे मेरी देखिए पूजा हो चुकी हुई है और यहाँ पर सोना भी मेरे साथ में पूजा की है। और गाइज आप लोग यहाँ मंदिर से आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी भोले बाबा से, और मैं भी यहाँ पे पूजा करके आशीर्वाद ले ली हूँ। और आप लोग मेरे परिवार है इसलिए मैं सभी के लिए आशीर्वाद ली हूँ। और गाइज यहाँ पर सोना आप लोगों से हेलो कर रही है। और गाइज आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा। और गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा। एवन सोना चैनल के परिवार जितने हैं वो सभी तो वीडियो को देखते जरूर हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग अभी से ही लाइक करिए जरूर और सब्सक्राइब भी जरूर ही करिएगा अगर आप लोग नहीं किए हैं तो। और गाइज यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग अभी जहाँ पे जा रहे हैं दीदी के पास जा रहे हैं, और आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग भी वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो को देखिए, और क्यों जा रहे हैं ये आप लोगों को भी पता चलेगा, वीडियो को फुल वॉच करिए। और गाइज यहाँ पर हम लोग दीदी के पास पहुँच चुके हुए हैं और यहाँ सोना अभी ऊपर जा रही है। और गाइज हम लोग जब दीदी के यहाँ आए हुए थे इसलिए आए हुए थे क्योंकि जीजू का हैंड जो है वो फ्रैक्चर हो गए हुए थे, तो इसलिए हम लोग देखने के लिए यहाँ पे मिलने के लिए आए हुए थे। और ये देखिए ये है दीदी का अंदर का रूम, और ये हॉल में ये लोग भी बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, और ये मंदिर है और यहाँ पर जीजू बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से, हैंड फ्रैक्चर है और ये अपना बेचारा बैठे हुए हैं,
और ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम लोग वहाँ से मिल करके आ चुके हुए हैं अपने डेरा पर। और ये शाम का समय है, तो सोना बोली मम्मी अभी कुछ नाश्ता करना है, तो इसलिए अभी हम लोग उसके लिए और अपने सभी आयुष के लिए अपने लिए भी ये बना रहे हैं। और गाइज हम लोगों को पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और सोना को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए अभी ये इवनिंग में हम लोग पास्ता ही बना रहे हैं नाश्ते में। और ये देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आप लोग देखिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। पास्ता मेरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी हुई थी। पास्ता खाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, पास्ता बहुत ही डिलीशियस बनी हुई थी मेरी।
और गाइज मेरी पास्ता जो थी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनी हुई थी। सोना को भी खा करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सच में यम्मी बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी पास्ता मेरी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे सोना के लिए दूध में जब बनाई थी तो वो दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गए हुए थे, तो इस तरीके से मैं एक डब्बे में ठंडे पानी रख करके ग्लास को रख देती हूँ, तो वो दूध बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। उसके बाद मैं उसको मैं दे देती हूँ, हल्का गुनगुना रहता है तो उसके बाद मैं फिर से उसको मैं दे देती हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा दूध गर्म हो जाए तो इस तरीके से आप उसको ठंडा कर सकते हैं। और ये देखिए आप सोना आप दूध पिएगी। और गाइज आप लोगों को ये ब्लॉग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को और कमेंट शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो और बेल आइकन ऑल दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास में जाए और कब कब मैं डालती हूँ नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाए। और गाइज इस ब्लॉग में तब तक के लिए इतना ही, फिर से मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर गाइज। और यहाँ पे सोना देखिए कितना एंजॉय कर रही है। और आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि अपना ख्याल इंसान खुद रखता है। और अपना ख्याल रखने के लिए अगर किसी पर डिपेंड रहें तो उसे ज़्यादा बेटर है कि आप अपना ख्याल खुद रखिए।